हेलो एवरीवन, सीबीएसई एनसीईआरटी बुक 12th क्लास चैप्टर नंबर 1 चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। इसमें क्या बता रखा है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंस हुआ था 1947 में, उस टाइम पे इंडिया के सामने जो है चुनौती क्या थी, क्या क्या मेन चैलेंजेस थे, वो तीन तरह के बता रखे हैं। वो थे, हमने जो है एक तो कंट्री का यूनाइट करना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग प्रिंसिपल स्टेट हैं और बहुत सारे जो हैं अलग अलग कास्ट के अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, सबको एक बनाना है, यूनिटी बनानी है हमने। सेकंड क्या था कि जो यह कंट्री है इसमें इलेक्शन करवाने हैं, इसलिए डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करनी है, सेकंड था। और थर्ड था यहाँ पर डेवलपमेंट का काम करना है, विकास करना, सबके लिए काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप याद कर सकते हो UDD के नाम से, याद कर लो, यूनाइट, यहाँ पर आदमी डेमोक्रेसी, थर्ड है डेवलपमेंट, ऐसे याद कर लो। तो यहाँ पर है चैलेंजेस ऑफ न्यू नेशन, देश नया है क्योंकि अभी अभी जो है आज़ाद हुआ है, इंडिपेंडेंट हुआ है, और अभी तो क्या है पहला भाषण दे रहा है फर्स्ट PM जवाहरलाल नेहरू। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं दो, एक तो ये बनता है जब नेहरू ने फर्स्ट अपनी स्पीच दी थी रात को ही, और वो उसका नाम क्या था, वो था नाम यहाँ पर ट्रस्ट विद डेस्टिनी। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है आपका, ठीक है, ये वाला, व्हाट वाज ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ये क्या था, ये स्पीच थी, फेमस स्पीच ऑफ नेहरू, कब दी थी, ये दी थी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी कि जब थी पहली हमारी नाइट थी इंडिपेंडेंस की, सुबह हमें आज़ादी का सूर्य देखने वाले थे, तब हमने दी थी 14 और 15 की रात को, आधी रात को ही बुला लिया, किसको बुला लिया, रात को ही, सभी लोग जा तो रहे थे कि आज आज़ाद हो रहा है, तो क्या है अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, यहाँ दिया था ये स्पीच, ये थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या था, व्हाट वाज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, क्या था ये, ये रहा था पढ़ा हुआ आपने, जब इंडिया ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म करना चाहा, डिजाइन करना चाहा था, उसके लिए तो यहाँ पर इंडिया में इलेक्शन करवाया था, पहले इलेक्शन करवा के असेंबली बनवाई थी, असेंबली यानी कि पार्लियामेंट टाइप की, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बनाई थी, उसमें जो लोग चूज होके आए थे वो सब जो असेंबली में बैठे थे उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इन्होंने क्या काम किया, भारत के संविधान का निर्माण किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर निर्माण किया, फॉर्मेशन की थी, ठीक है, ये है। तो आगे जो है यहाँ पर क्या है हमारे जो चैलेंजेस, उनके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि बड़ा डिफिकल्ट टाइम था, हम आज़ाद तो हो गए लेकिन साथ में क्या था, पार्टीशन भी हुआ था, ठीक है, और पार्टीशन में बहुत सारा जो यहाँ पर क्या हुआ था, वायलेंस हुआ था, हिंदू और मुस्लिम के कम्युनिटी के यहाँ पर झगड़े हुए थे, लोग मारे गए थे, और साथ में जो है पॉपुलेशन का डिस्प्लेसमेंट हुआ था, लोग यहाँ से वहाँ गए थे और वहाँ से यहाँ आए थे, क्योंकि रिलीजन के बेस पर जो है ये डिवीजन किया गया था ब्रिटिश रूल के द्वारा, ठीक है। तो ये है, प्राइम मिनिस्टर ने जब मॉर्निंग में रेड फोर्ट से स्पीच दी थी, वो वाली है, ये नेहरू है, झंडा है तिरंगा झंडा, ये सामने है, ये है अपनी जामा मस्जिद, ठीक है, तो लाल किला का ग्राउंड है ये रेड फोर्ट का दिल्ली में, यहीं से होती है 15 अगस्त की स्पीचेस, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। इंडिपेंडेंस डे यहाँ मना जाएगा और रिपब्लिक डे इंडिया गेट पे मनाते हैं दिल्ली में, दो अलग अलग जगह है। तो ये है उस टाइम के पेपर्स, 200 साल का जो ब्रिटिश रूल है वो एंड हो चुका, ख़त्म हो चुका है, पूरे वर्ल्ड के लोग बधाई दे रहे हैं नेहरू को, क्योंकि नेहरू उस टाइम पे लीडर था वर्ल्ड वाइड फेमस, उसने बना रखा था नॉन अलाइंट मूवमेंट, उसके कारण भी जो है ज़्यादा फेमस था यहाँ पे। आगे दिखाते हैं आपको, थ्री चैलेंजेस कौन कौन से हैं वो देख लो, तीनों को बारे बारे से पढ़ेंगे यहाँ पे, एक पढ़ेंगे पहले हम, इसको कहते हैं इंडिया को यूनाइट करना। तो फर्स्ट देख लेते हैं जो चैलेंज है, तीनों के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, पहला जो है हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट चैलेंज वाज द शेप ए नेशन दैट वाज यूनाइटेड, यानी कि देश को एक करना है, यूनाइटेड करना है, ठीक है। तो फर्स्ट चैलेंज हमारा ये है, यूनाइट कैसे करना है, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है, सोसाइटी में जो है डाइवर्सिटी है, अलग अलग लैंग्वेज है यहाँ पर, डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट लोग, अलग अलग रीजन, ठीक है, 565 प्रिंसिपल स्टेट, तो इन सब को इंडिया में शामिल करवाने का बड़ा एक चुनौती थी। बहुत ही पहला जो काम यही था हमारा, इमीडिएट एक्शन यहाँ लेना चाहिए हमने,
वो हमने लिया, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एंड इमीडिएट चैलेंज यही था। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो होगा हमारा पहला वाला चैलेंज। सेकंड चैलेंज क्या है इसमें देख लो, सेकंड चैलेंज वाज टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी। मैंने पहले बता दिया है कि हमने यहाँ पर जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम बनाना है, मल्टी पार्टी बनानी है और यहाँ पर डेमोक्रेसी करनी है, इलेक्शन करवाना है। तो वो डेमोक्रेसी को फॉर्म करने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ा चैलेंज था। इतने बड़े देश में बहुत बड़ा साइज है, बहुत सारे वोटर्स हैं, सबके वोट बनवाने, ठीक है। तो इसको हम सेकंड चैप्टर में पढ़ भी चुके आगे, ठीक है, पढ़ेंगे। और थर्ड चैलेंज हमारा क्या था, वो था हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट करना। डेवलपमेंट किसका, सभी लोगों का यहाँ पर समान रूप से यहाँ पर विकास और डेवलपमेंट हो इंडिया के अंदर, ये हमारा थर्ड चैलेंज था ये वाला, ठीक है। द थर्ड चैलेंज वाज टू इंश्योर डेवलपमेंट एंड वेल बींग इंटायर सोसाइटी, सभी सोसाइटी के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए, सबके लिए, नॉट फॉर ओनली सम सेक्शन, केवल कुछ लोगों के नहीं, सबके लिए बता रखा, ठीक है, ये है। अब यहाँ पे देखना है ये आगे पॉइंट ये था कि हमारा जो चैलेंज है पहले वाला यूनाइट करने वाला, उसको हमने किस तरह से हमने लिया, रिस्पोंड किया और क्या रिएक्शन करते हम पार्टीशन के ऊपर। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे तीनों स्टैंप देख लो, ये दे रखी हैं, जब हम इंडिया इंडिपेंडेंट होगा और हमारा अपना खुद का जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हो जाएगा, हम बन जाएंगे रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को। तो उसके टाइम पर निकाले गए तीन स्टैंप अलग अलग, ये है स्मॉल इंडस्ट्री के लिए, खादी उद्योग के लिए, रूरल एरिया के लिए, चरखे का निशान दे रखा है, ये दे रखा है एग्रीकल्चर के लिए प्रमोट करने के लिए, और एक दे रखा था हमने यहाँ पर जो है वो क्या है, जश्न मना रहे हैं अपना कि हम जो है क्या बन गए, अब नए भारत के नागरिक बन चुके हैं जो इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर्स हैं उस टाइम के अलग अलग, सब ने अपनी लिख रखी है, जिसको छोड़ दो। ये मोहम्मद अली जिन्ना है जो फोटोग्राफ्स है यहाँ पे, ठीक है, मुस्लिम लीग का अध्यक्ष था, पाकिस्तान को क्रिएट करने वाला क्रिएटर था। और यहाँ पर नेहरू वगैरह दिखा रखी है, राजकुमारी अमृता कौर, अमृता प्रीतम, ये तो राइटर थी पंजाबी, वो है ये नेहरू की स्पीच। यहाँ देख लो पार्टीशन वाला सिस्टम, ये है क्वेश्चन। तो यहाँ पार्टीशन हुआ, डिवीजन हुआ इंडिया और पाकिस्तान का, डिस्प्लेसमेंट हुई पॉपुलेशन की, और उनके लिए जो है दोबारा से घर बनाए गए, रहने की जगह दी गई, काम का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये होता है रिहैबिलिटेशन, ठीक है, दोबारा से बसाना। अब यहाँ पर सिस्टम ये बनता है कि टू नेशन थ्योरी थी, अलग अलग कंट्री बनी इंडिया और पाकिस्तान, हमारे बहुत सारे जो एरिया वहाँ चला गया पाकिस्तान में, लोग यहाँ आ गए, हिंदू वहाँ से आ गए, मुस्लिम यहाँ से चले गए, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी रह गए। तो ये है अपने अपने चॉइस थी कौन कहाँ रहेगा, किसी ने बुलाया नहीं था, लेकिन क्योंकि ये बेस्ड था, रिलीजन बेस्ड था, इसलिए जो है कम्युनिटी रोड्स हुए, दंगे हुए, वायलेंस हुआ, ठीक है। तो ये है पार्टीशन का रिजल्ट। तो एक हुआ करती मुस्लिम लीग पार्टी थी, उसका तो चेयरमैन जिन्ना था, जिन्ना पहले कांग्रेस पार्टी में था लेकिन बाद में जो है पॉलिटिक्स छोड़ के चला जाएगा, बाद में दोबारा फिर आएगा और देखेगा क्या करें। तो उसने दिया एक थ्योरी, टू नेशन थ्योरी दी थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज टू नेशन थ्योरी, क्या थी ये, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं दो हैं और दो अलग अलग कंट्री बनेंगी, पाकिस्तान के नाम से अलग बनेगी, यानी पाकिस्तान की डिमांड की गई थी यहाँ पे मुस्लिम लीग के द्वारा, ये ठीक है। ये पार्टी मुस्लिम लीग, पीपल ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम, यहाँ पे कह रखे हैं इंडिया के जो लोग हैं वो दो हैं एक नहीं है, ठीक है। तो डिमांड की गई थी पाकिस्तान की, पूरी लाइन यहाँ पे लिखनी है आपने टू नेशन थ्योरी में, यहाँ से लेके अकॉर्डिंग टू नेशन थ्योरी से लेके आपने यहाँ पर डाल देना पूरा, सेपरेट कंट्री फॉर मुस्लिम की डिमांड की गई थी, ठीक है। कांग्रेस ने अपोज किया इसका थ्योरी का कि नहीं भाई, ये तो एक ही कंट्री रहेगी, दो नहीं बनेगी, लेकिन बाद में जो है डिमांड स्वीकार करनी पड़ेगी, यहाँ पर पाकिस्तान बनाना पड़ेगा। ये डिमांड की गई थी कब, ये की थी 1940 में, ठीक है, इसमें, और अलग हुआ जब इंडिपेंडेंस हुआ 47 में, तब हुआ, ठीक है। अब देखते हैं प्रोसेस क्या थी पार्टीशन की, बड़ा खतरनाक थी, इसके ऊपर मूवी बहुत बनी हुई है, पहले भी गदर मूवी थी सनी देओल की, बड़ा खतरनाक दिखा रखा है, रेलें भरी हुई आती लाशों की। तो ये क्या है, इसमें दिखा रखा है कि जो इंडिया है वो
डिवाइड हुआ टू कंट्रीज में, अनाउंस हो गया था पहले ही, तो लोग जो हैं अपना जो सामान उठा के चलने लगे, जो जाने वाले थे पाकिस्तान, जो आने वाले थे हिंदुस्तान, बीच में जो है झगड़े हुए, ठीक है, बहुत से लोग मारे जाते हैं यहाँ पे। तो जो ये एरिया है डिवाइड किया गया था, किस में डिवाइड किया गया था, जो हमारा रिलीजियस मेजोरिटी जहाँ पर है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बांटा गया था। तो ये देखना आपने, जब डिवाइड किया गया तो किस बेस पे किया, इट वॉज डिसाइडेड टू फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजोरिटी, जहाँ जिसकी मेजोरिटी है वो एरिया उसको दे दिया गया, जहाँ पे हिंदू ज्यादा है हिंदुस्तान बना दिया, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है पाकिस्तान बना दिया। यानी पंजाब का और बंगाल का यहाँ पे डिवीजन हुआ था, आधा पंजाब उनके पास चला गया, आधा बंगाल उनके पास चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे थ्योरी थी वो ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो जो वेस्ट बंगाल हमारे पास रहा, ईस्ट बंगाल पाकिस्तान के नाम पे गया, उसने नाम रख दिया ईस्टर्न पाकिस्तान, फिर बन गया वो बांग्लादेश 71 में, ठीक है। हमारे सारे इसी में चैप्टर आते हैं। जो ये स्टोरी है इसको देख लेते हैं एक बार, जैसे मूवी चल रही हो वैसे देख लो एक बार इसको क्या है फटाफट से। जो सिंगल बेल्ट ऑफ द मुस्लिम मेजोरिटी एरिया इन ब्रिटिश इंडिया कौन सी थी, एक था पंजाब और एक था बंगाल, मैंने पहले ही बता दिया है। तो ये जो मैंने बात बताई यहाँ पे लिख रखी सारी की सारी, पाकिस्तान विल कंप्राइज टू कट, यहाँ पे टेरिटरीज होंगी पाकिस्तान की कौन सी होंगी, देखो यहाँ पे ये है, पाकिस्तान विल कंप्राइज टू टेरिटरीज, कौन सी टेरिटरीज की बनी, वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान सेपरेट बाय द लॉन्ग एक्सपेंस ऑफ इंडियन टेरिटरी, यानी बीच में इंडिया है, एक तरफ ईस्टर्न पाकिस्तान है एक तरफ वेस्टर्न पाकिस्तान बना, यानी आधा पाकिस्तान उधर आधा पाकिस्तान उधर, बीच में हिंदुस्तान बना, यानी बंगाल और पंजाब का कुछ पार्ट दिया गया इनको। सेकेंडली क्या है, नॉट ऑल मुस्लिम मेजोरिटी एरिया वॉन्टेड टू बी पाकिस्तान, जो है यहाँ पर सारे मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया पाकिस्तान में शामिल नहीं होना चाहते थे। बहुत से लोगों ने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं चाहते, मुस्लिम लोग थे वो कह रहे कि हम इंडिया में ही रहेंगे एज ए इंडियन, ठीक है। इनमें कौन था, खान अब्दुल गफ्फार था, ये कौन था, इसका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान, इसको सेकंड गांधी भी कहा करते, इसको फ्रंटियर गांधी भी कहा करते, लाल कुर्ती मिशन का लीडर भी था ये, पाकिस्तान से आगे जो बाउंड्री है अफगानिस्तान की वहाँ पर रहा करता, गांधी का फॉलोवर था, लीडर था, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में रहा करता, ये दे दिया लीडर कहाँ का था, ये दे रखी सारी बातें, फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर यानी कि उस फ्रंट पे था ये, उधर वाले भी वेस्टर्न वाले पे, ठीक है, यानी हमारी जो बाउंड्री है अफगानिस्तान की वहाँ उस फ्रंट पे, नॉर्थ वेस्ट फ्रंट पे रहा करता, इसलिए फ्रंटियर गांधी कहा है इसको, सीमांत गांधी, सीमा पर रहा करता ये। इन्हें मना कर दिया, बाद में गांधी से नाराज भी हुआ कि क्यों मुझे भेज रहे हो, इसको भेजा गया वापस पाकिस्तान में, इसको मिलना पड़ा, ठीक है। तो ये था वो गफ्फार खान के बारे में पूछेंगे, कौन था फ्रंटियर गांधी, फ्रंटियर गांधी के रूप में कौन जाना गया, वो था खान अब्दुल गफ्फार खान, इसने मना किया था मैं नहीं जाऊँगा पाकिस्तान। तो थर्ड प्रॉब्लम थी यहाँ पे जो क्या थी, वो कि मुस्लिम मेजोरिटी जो प्रोविंस थी बंगाल और पंजाब उनको कैसे बांटे, ठीक है, नॉन मुस्लिम मेजोरिटी भी थी यहाँ पे तो किस एरिया में, तो डिवाइड किया गया, आधे हाथ दे दिया, आधा पंजाब उसको आधा इंडिया को, ठीक है। तो ये पार्टीशन का रूप था बड़ा खतरनाक। तो यहाँ पर जो है यहाँ पे एक वर्ड आता है माइनॉरिटीज, या क्या होता है, माइनॉरिटीज होता है किसी एरिया में रहने वाली कम्युनिटी जो कम संख्या में हो, ठीक है, उसको बोलते हैं माइनॉरिटी। जैसे कि कोई धर्म है वो कम संख्या में हो, जैसे बौद्ध है, जैन है इंडिया में, ईसाई है, मुस्लिम है, सिख हैं, सारे क्या है माइनॉरिटी में आते हैं इंडिया के अंदर, और पाकिस्तान में हिंदू जो है माइनॉरिटी में आते हैं और मुस्लिम मेजोरिटी में आते हैं, ठीक है। ऐसे बांग्लादेश में मुस्लिम मेजोरिटी है और हिंदू वहाँ पे, बंगाली और हिंदू वहाँ पे माइनॉरिटी में है। उन्हीं को वापस लाने के लिए यहाँ पे क्या बनाया है, रूल बनाया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया गया, अभी जो माइनॉरिटी है बांग्लादेश और पाकिस्तान की वो अगर इंडिया में आई है या आना चाहती है तो आ सकती है, केवल माइनॉरिटी ही, ठीक है। तो यहाँ जो हिंदू और सिख थे पंजाब के अंदर, वो जो है बहुत सारे वहाँ पे भी रह गए पंजाब में, पाकिस्तान में, और बहुत सारे इंडिया में वापस आ गए। तो इस तरह दो का बंटवारा हुआ और ये लोग जो है रिफ्यूजी के रूप में पाकिस्तान से आए यहाँ इंडिया में, दिल्ली के आसपास बस के बहुत सारे लोग यहाँ पे फंसे रहे बेचारे, मारे भी गए, तो बड़ा मुश्किल हुआ इन लोगों का यहाँ पे बेचारों का जीना,
दूभर हो गया। तो इसके रिजल्ट क्या रहे पार्टीशन के, बड़ा खतरनाक तरीके से दिखाते हैं आपको यहाँ पर कॉन्सिक्वेंस ऑफ ए पार्टीशन दिखाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये क्या था कि अनप्लान्ड था, पॉपुलेशन को हमने बुलाया नहीं था, लेकिन क्योंकि यहाँ पर लिजिस्पेट पे जो है यहाँ पे कम्युनिटी के बेस पे यहाँ पे जो है दंगे हो गए और वायलेंशन हो गया, इसलिए क्या हुआ पॉपुलेशन डर के मारे जो है इधर उधर भागने लगी, डिस्प्लेस हो गई। तो ये जो लोग ट्रेन दिखा रखी भरी भरी आ रही हैं, ये सारी सारी लाशों में ढेर में तब्दील हो गई थी, इतने लोग मार दिए गए थे। तो ये जो है यहाँ पे दिखाते हैं आपको अमृतसर में और कलकत्ता में जो है क्या हुआ था सबसे ज़्यादा, कैमनल जोल कहा था इसको, क्योंकि अमृतसर में दंगे हुए ज़्यादा, कलकत्ता में हुए बहुत से लोग मारे गए थे यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या है यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो मैं दे देता हूँ आपको कि किस तरह से जो है रिफ्यूजी वर्ड आएगा आपके पास, रिफ्यूजी कैंप नाम आएगा। रिफ्यूजी का होता है जो रिफ्यूज करती है, किसने किसी कंट्री ने रिफ्यूज कर दिए दूसरी कंट्री में आ रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान से हिंदू आ रहे हैं रिफ्यूजी के रूप में और यहाँ से मुस्लिम गए पाकिस्तान में रिफ्यूजी के रूप में, ठीक है। और रिफ्यूजी कैंप क्या होता है कि वहाँ से जो लोग आए लाखों की संख्या में, तो उनके लिए मकान थोड़ी थी यहाँ पे, उनको टेंटों में रखा गया बेचारों को, तो यहाँ पे कोई जगह थोड़ी थी, जहाँ जगह मिली वहीं टेंट लगा दिए इनको, वहीं टेंटों में पड़े रहे कई साल तक ये लोग। दिल्ली में मुखर्जी नगर एरिया है, पहले कैंप हुआ करता, कैंप नाम उसका पुराना यहाँ इधर के एरिया में, तो हर जगह ही जीटी रोड पे अम्बाला से लेके अमृतसर पूरा पंजाब करनाल, तो हर जगह इस तरह के जो रिफ्यूजी कैंप हुआ करते, ये इनको कहते हैं रिफ्यूजी कैंप, ठीक है। तो मेन मेन पॉइंट मैं बता रहा हूँ यहाँ पर आपको क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे बता रखे हैं जो है डिवीजन ऑफ हर्ट्स क्या होता है, यानी कि लोगों का दिल तो वहीं थे, एक दिल था, एक इंडिया था, उसको डिवीजन हो गए इंडिया पाकिस्तान में, तो इसको बोलते हैं क्या डिवीजन ऑफ हर्ट्स, दिलों का बंटवारा यहाँ पे हुआ था, प्रॉपर्टी वगैरह जो है सभी वहीं भी छूट गई, केवल अपना जो है जान बचा के भागे थे लोग, ये है। तो यहाँ पर डिवाइड किया गया, क्या चीज़ें डिवाइड हुई, जो हमारे यहाँ पर छोटी मोटी चीज़ थी ना इंडिया के अंदर, सबका यहाँ पे एसेट का बंटवारा हुआ, ज़मीन का हुआ और इंडस्ट्री का हुआ, फाइनेंस एसेट का हुआ, जो पैसा हमारे पास नगद था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो चेयर टेबल भी बंटाए यानी कि जब पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान ने डिमांड की थी कि एक एक हिस्सा हमें चाहिए, तो उनको क्या दिया टेबल चेयर भी दी थी हमने वापस, ले तेरे हिस्से में एक टेबल पकड़ ली, तेरा टाइप राइटर है, तेरा पेपर क्लिप्स है, ठीक है, ये तुम्हारी बुक है, लाइब्रेरी भी बटकी थी, किचन के बर्तन बटके थे, किसके जो यहाँ पर प्रेजेंट हाउस है उसमें किचन है बड़े सारे, उसके आधे बर्तन भी पहुँचाने पड़े थे हमें, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पे चीज़ें क्या हुआ था, सब कुछ डिवाइड हो गया था हमारे यहाँ पे, ठीक है। गवर्नमेंट के एम्प्लॉय भी डिवाइड हुए कि कर्मचारी जो हैं आधे पाकिस्तान चले गए आधे इधर चले गए, ठीक है। रेलवे भी डिवाइड हो गई यहाँ पे, इंडस्ट्री सब कुछ यहाँ पे जो है डिवाइड हुई थी, इसलिए जो कहते हैं कि यहाँ पर 80 लाख लोग जो है माइग्रेट होके आए थे, ठीक है, फोर्सली। चलो यहाँ पर जो है ये तो लोग वैसे दिखा रखे हैं, बहुत सारे लोग जो है बेचारे पार्टीशन का शिकार हुए, वायलेंस का शिकार हुए। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये जब छोटी मोटी बातें यहाँ पे दे रखी थी किस तरह से हुआ। तो यहाँ पर जो है मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में थी लगभग 12% थी 1951 के अंदर, और आज बढ़ के जो है लगभग 23% हो गई है, और पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन थी हिंदुओं की वो डिक्रीज हुई, घटती हुई गई है, 2% रह गई है, ठीक है। तो इंडिया में जो मुस्लिम बड़े हैं और वहाँ पर हिंदू घटे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है, सबको मानता है, कोई धर्म का लोग आओ, और पाकिस्तान क्या है एक यहाँ पर कम्युनल कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, वो वहाँ पे सिख जो है जैन बुद्धिस्ट पारसी जो वगैरह जो है क्रिश्चन वगैरह है, ये पाकिस्तान में क्या है माइनॉरिटी है, रिलीजियस ये नाम दे रखा है। इन्हीं पाँचों छः के लिए हमने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट बनाया है, ठीक है, ये वाला, ये छः हैं उसमें, सिख हैं, हिंदू हैं, क्रिश्चन हैं, जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, सब के लिए बनाया है कि ये लोग वहाँ पे माइनॉरिटी हैं, इसलिए इसको इंडिया में ये आना चाहें या आ चुके हैं तो यहाँ पर रह सकते हैं, सिटीजन बना देंगे इनको, ठीक है। वहाँ अगर आप परेशान हो, आपको परेशान किया जाता है एज ए रिलीजियस माइनॉरिटी, ठीक है।
तो ये सीन था। अब देखो यहाँ पे क्या है, दोनों कंट्री यहाँ पे जो है जिम्मेदार थे इस चीज़ के लिए, दोनों तरह के लीडर यहाँ पे जिम्मेदार थे, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस भी अदर पार्टीज भी। तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पे डिमांड की थी पाकिस्तान की, और उसने ये बनवा के छोड़ा, इतना यहाँ पे गड़बड़ यहाँ पे स्टार्ट करवा दी थी। महात्मा गांधी की हत्या की बात है यहाँ पे, कि महात्मा गांधी ने जो है पार्टीशन के वक्त में कई जगह क्या किया, अपना जो है यहाँ पर कलकत्ता में गया, वहाँ जाके दंगे हो रहे थे उनके बीच में बैठ गया कि मुझे मारो तब तुम दंगे करना, तो लोग शांत हो गए वहाँ पे इसकी बात सुन के। तो नॉन वायलेंस का पुजारी था, सत्याग्रह स्टार्ट कर दिया हर जगह, लेकिन बाद में जो है इसकी हत्या कर देगा नथुराम गोडसे। वो कह रहा है कि आपने एक तो पाकिस्तान का निर्माण मंजूर करवा लिया, दूसरा जो है अभी भी जो इनको यहीं रोक रहे हो, जो लोग जाना चाहते जाने दो, अब जो है इंडिया को इतना कष्ट मत भोगने दो, मार्केट ज़्यादा मची हुई है, ठीक है। तो इससे एक बंदे दुखी होगी, इसकी हत्या कर दी, कि ये जो गांधी महात्मा गांधी जी हैं ये जो है आगे भी इस तरह के दंगे जो है इसी कारण रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि बहुत से जो मुस्लिमों को ये रोक रहा है इस एरिया के अंदर कोलकाता वगैरह में बैठ के, ठीक है। तो उसको पसंद नहीं किया, अपने अपने थिंकिंग है इसमें, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हत्या करती है 30 जनवरी 1948 को। आगे क्या है इसमें, ये जो सीन है दिखा रखा है पार्टीशन का, इसके बाद जो है हमने यहाँ पर इंडिया की जो चैलेंजेस है मेन वो क्या था, यूनाइट करने का था। यहाँ पे हमने यूनाइट किया, और इंडिया के जो पार्टीशन से लोग आए थे उनको यहाँ पे संभाला, जगह दी, दिल्ली वगैरह में बसाया, और इसके बाद जो हमारा नंबर आता है प्रिंसली स्टेट का, इनको इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी। तो यहाँ पर सीन दे रखा है कि जो हमारे इंडिया के प्रिंसली स्टेट थे ना, वो थे लगभग 565 थे, दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। 565 प्रिंसली स्टेट थे, इनको इंडिया में शामिल करना एक चैलेंज के रूप में था, क्योंकि अभी हम नए नए आज़ाद हुआ है, और गवर्नमेंट ने कहा था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, कि या तो ये राजा महाराजा लोग इंडिया में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में शामिल हो जाओ, या अपने आप को इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में समझे। तीन इनको ऑप्शन दे दिए, इन्होंने चूज किया कि हाँ भाई तो अलग राजा बन के रहेंगे, अगर ये राजा बन के रहते तो इंडिया के बहुत सारे टुकड़े बन जाते, इसलिए इनको इकट्ठा करके इंडिया में शामिल करना बहुत जरूरी था। ये काम करेगा कौन, ये करेगा कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमारे उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, साथ में हमारे इंडिया के वो वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी थे। ये सारे जो स्टेट हैं पार्टीशन के टाइम की है वो बता रखी है, यह है वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंट, जिसके बारे में फ्रंटियर गांधी था, वो खान अब्दुल गफ्फार खप्पा येरा, ये एरिया है पाकिस्तान का, ठीक है, बाउंड्री टच होती है अफगानिस्तान, और ये था वेस्ट पाकिस्तान का एरिया। बड़ा इजी समझा रखा है यहाँ पे मैप में, देख लो इसको, वेस्ट पाकिस्तान, ये है ईस्ट पाकिस्तान, ठीक है, जो बाद में बन गया बांग्लादेश, ये वाला, ओके जी, बंगाल का पार्ट था, ये है वेस्ट बंगाल, ये ईस्ट बंगाल था, ऐसे ही ये पंजाब अपना इंडिया वाला पंजाब है, ये पंजाब जो है ये पाकिस्तान का पंजाब है, पंजाब लिख रखा दोनों जगह, ठीक। कश्मीर का कुछ पार्ट जो उनके पास चला गया था, ये वाला बाद में अटैक करेंगे, इसको भी हड़प लेंगे, ठीक है, पीओके ये कहलाना का, ये वाला गिरगिट वाला। तो ये अलग अलग जो है यहाँ पर बड़े बड़े स्टेट्स दिखा रखे, जूनागढ़ स्टेट थी, बड़ौदा थी, ठीक है, यहाँ पे जो है हैदराबाद थी, भोपाल थी, ग्वालियर थी, राजपुताना, अजमेर, मेवाड़, रामपुर, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये सभी स्टेट वगैरह थी यहाँ पे। इधर भी है देखो, मणिपुर वगैरह की, त्रिपुरा की, हैदराबाद की बहुत बड़ी थी, ट्रावणकोर की थी, मैसूर की थी, मद्रास की थी, सारे की सारे, इन सब को इंडिया में शामिल करना बहुत बड़ी बात थी, और ये किया था हमारे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी यहाँ पर इनको अंदर करने के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर दे भी रखा है कि बहुत सारे जो अपने अपने स्टेट थे प्रिंसली, वो क्या करेंगी, अपनी इसमें कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में शामिल नहीं होंगे, ना अपने कोई यहाँ पे कैंडिडेट भेजेंगी, ठीक है। जैसे हैदराबाद है, ये नहीं करती, हैदराबाद जो है अब भारत की जो संविधान सभा है उसमें कोई मेंबर भेजती नहीं है, वो कहती है मैं तो अलग से बनाएंगे हमारा संविधान, अलग रहेंगे हम, तो कह रहे हैं हैदराबाद थी, ठीक है। भोपाल है, वो भी क्या कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है, वर एड आवर्स टू ज्वाइनिंग द असेंबली रिस्पॉन्स द रूल प्रिंसिपल स्टेट मीट दैट द आफ्टर द इंडिपेंडेंस दे वर द वेरी रियल पॉसिबल दैट इंडिया वुड गेट डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर कंट्री। तो यहाँ पर सीन ये था कि अगर ये शामिल नहीं होगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अलग अलग कंट्री बन जाएगी, इंडिया की टुकड़े ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये जो है गवर्नमेंट की अप्रोच देखते हैं क्या है, गवर्नमेंट ने क्या किया यहाँ पे। इंडियन गवर्नमेंट ने देखिए यहाँ पर है अपने डिप्टी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ पटेल, इसको देख लेते हैं। ठीक है, सरदार वल्लभ पटेल वाज इंडिया डिप्टी पीएम एंड होम मिनिस्टर ड्यूरिंग द क्रूशियल पीरियड। इस टाइम पे क्या थे, पीएम डिप्टी पीएम था। ही प्लेड ए हिस्टोरिकल रोल इन नेगोशिएशन विद द रूल ऑफ प्रिंसिपल स्टेट। जो प्रिंसिपल स्टेट थे उनसे बातचीत करने का जिम्मा इसका था, सरदार पटेल का। इसने बात की, सबको समझाया, मनाया और शामिल कर लिया। लगभग बहुत सारे स्टेट्स को हमने यहाँ पर शामिल कर लेता है। ठीक है, और बड़ी बड़ी स्टेट हैं बहुत सारी, जैसे कि उड़ीसा में अकेले 26 स्टेट थी, गुजरात में 14 थी, 119 स्टेट थी, आगे आगे जो है कई जगह दिखा रखी है। इनको हम देखना, केवल अपने देखने के इसका रोल था, पटेल का रोल था। ठीक है, अब देखना है कि जो प्रिंसिपल स्टेट के लोग थे ना, वो तो थे भारत के पक्ष में। हमने वहाँ पर पहले से ही क्या करा दिया, मूवमेंट स्टार्ट करवा रखे थे, जैसे कि डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन करवाना है और इंडिया की सपोर्ट में जो है वहाँ पे कांग्रेस पार्टी ऑलरेडी थी ही, तो लोग तो थे ही जुड़े हुए, केवल राजाओं को पब्लिक से कोई फर्क नहीं पड़ता। देखना भाग में छोड़ के भाग जाएंगे, अकेली पब्लिक यहाँ पर रह जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं गवर्नमेंट अप्रोच कैसे करेगी। गाइडेड बाय थ्री कंसिडरेशन, तीन तरह के हमारे यहाँ पर क्या है कंसिडर हमने किए थे, वो क्या है देखो। फर्स्टली क्या है, पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ प्रिंसिपल स्टेट कलरली वॉन्टेड टू बिकेम ए पार्ट ऑफ इंडियन यूनियन। पहला क्या है, वहाँ के लोग चाहते थे कि इंडिया में शामिल हों, अपने यहाँ से स्टार्ट करना। ये इंडियन गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी प्रिंसिपल स्टेट के प्रति, वो यहाँ से स्टार्ट करना है। पहला लिख के वहाँ पे वो अपना सरदार पटेल वाला, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना है। पीपल क्या चाहते हैं, इंडिया में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, सेकेंड क्या है कि गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सीबल इन गिविंग ऑटोनॉमी इन द सम रीजन। देखो गवर्नमेंट ने मंजूर कर रखी ये बात भी कि अगर कोई प्रिंसिपल स्टेट चाहती है कि उन्हें कुछ पावर दी जाए, उसके लिए भी हमें पर राजी है। फ्लेक्सिबल अप्रोच हमने अपना रखी है, कोई स्ट्रिक्ट नहीं दे हम इतने। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये रहेगा हमारा। ठीक है, थर्ड क्या है यहाँ पर, ये है हमारा थर्डली इन द बैकड्रॉप ऑफ पार्टिसिपेशन। ठीक है, विच ब्रॉट इन टू द फोकस द कंटेस्ट ओवर डिमार्केशन ऑफ टेरिटरी। जो पार्टीशन से हमारा जो बाउंड्रीज को दोबारा से लिमिट की गई, दोबारा बनाई गई थी, उसके अकॉर्डिंगली ही हमने यहाँ पे फोकस किया गया था कि कैसे हमने जो है क्या एरिया कौन सा है और उसको हमने कैसे हमने अपने टेरिटरी में शामिल करना है। जैसे कश्मीर हमारे हिस्से में था, हैदराबाद हमारे हिस्से में था, बंगाल हमारे हिस्से में था, जूनागढ़ हमारे हिस्से में था, उन सबको हमने एक करने का यहाँ पर प्रयास किया। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या है, पीसफुली नेगोशिएशन हुआ, बातचीत हुई टेरिटरी से, इंडियन यूनिटरी जो है इंडियन यूनिटी की बाउंड्रीज को हमने बना ही लिया था ऑलरेडी। तो यहाँ पर क्या है, एक हमने क्या करवाया, एक साइन करवाने पड़े प्रिंसिपल स्टेट के लिए, एग्रीमेंट तैयार करवाया। इंडिया और प्रिंसिपल स्टेट का राजा वहाँ साइन करेगा, उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, ये डिफाइन करना होता है एक नंबर में, दो नंबर में या पांच नंबर में। ठीक है, तो ये है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी कि ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ पॉइंट लिख रखे, उन पॉइंट के आधार पर ही राजा या फिर इंडियन गवर्नमेंट साइन करेंगे और उसको इंडिया में शामिल कर लेंगे प्रिंसिपल स्टेट को। ठीक है, तो ये किंग के लिए बनाया गया था। इस पर साइन करवा लिए हमने किसके, जूनागढ़ के करवा लिए, हैदराबाद करवा लिए, कश्मीर के करवाए हमने। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लगभग सबके करवा लिए थे। तो अब जो है इन तीनों में बड़ी मुश्किल हुई थी करवाने में, दिखा रखा जूनागढ़ में, हैदराबाद में, कश्मीर में और मणिपुर में। ठीक है, जूनागढ़ का इशू पहला देखेंगे हम क्या हुआ था, जूनागढ़ को कैसे सोल्व किया। अब क्वेश्चन ये है कि हमारी अप्रोच क्या थी, हमने कैसे शामिल करवाया इनको, नेगोशिएशन करी, फ्लेक्सिबल अप्रोच बनाई। ठीक है, पब्लिक की सपोर्ट थी हमें पहले से ही।
ठीक है, तो किसी को हम मना लेंगे बातचीत से, किसी को हम करेंगे अपनी आर्मी भेज के अप्रोच अपनाएंगे। ठीक है, तो जूनागढ़ क्या है यहाँ पर, रिसोल्ड आफ्टर पीसिबिलिटी, यहाँ पे क्या करते हैं, पब्लिक की जो डिजायर है, ओपिनियन है पब्लिक का, उसको बोलते हैं रेफरेंडम बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं प्लेबिसिट बोलते हैं। ठीक है, ये वाला वर्ड। ठीक है, तो रिसोल्ड किया जाएगा आफ्टर ए प्लेबिसिट, यहाँ पर कन्फर्म्ड पीपल्स डिजायर टू ज्वाइन इंडिया, इंडिया में ज्वाइन होने की जो इच्छा है पब्लिक की, ओपिनियन है, उसको यहाँ पे कहा जाता है रेफरेंडम और प्लेबिसाइट। ठीक है, ये वर्ड आएगा आपका यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि जूनागढ़ को कैसे मिलाया था, क्या आर्मी भेजी थी? नहीं, हमने वहाँ पे रेफरेंडम कराया था, पब्लिक की ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही ज्वाइन करवाया था। ठीक है, ये है। और कश्मीर पे हमने बाद में किंग ने साइन किए, क्योंकि वहाँ की जो पब्लिक थी मेजोरिटी मुस्लिम की थी, और जो है पाकिस्तान ने उस पर अटैक कर दिया था, इसलिए जल्दबाजी में जो है किंग ने साइन किए और वो इंडिया में शामिल हुआ। इसके बाद हैदराबाद में हमने सेना भेजी, मणिपुर में बाद में हमने इलेक्शन करवाया था। ठीक है, तो ये है हैदराबाद का निज़ाम, दुनिया की सबसे बड़ी रियासत थी ये, और बहुत अमीर था ये वाला, ये बुढ़ा बाद में पाकिस्तान भाग जाएगा, ये छोड़ गए इसको। ठीक है, पब्लिक को ऐसे छोड़ के, और मार्ट काट स्टार्ट करेगा ये हैदराबाद में, हमारे सेना भेजनी पड़ेगी। हमने हैदराबाद क्या लार्जेस्ट प्रिंसल स्टेट था, सबसे बड़ी बाउंड्री थी इसकी, और यहाँ पर क्या था, महाराष्ट्र से, कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश की बाउंड्री थी। इसका जो किंग था उसको कहा करते, निजाम कहा करते, जैसे कि सुल्तान कहते हैं, बादशाह कहते हैं, ऐसे निजाम कहा करते। वर्ल्ड का रिचेस्ट मैन था ये, देखो उस टाइम पे। ठीक है, इसमें कुछ लिबर्टी वगैरह कुछ नहीं थे, इतना अमीर था ये उस टाइम पे। तो ये क्या कहता था, ये कह रहे कि मैं तो इंडिपेंडेंट रहूँगा, हैदराबाद को अलग से राज्य बनाऊंगा, देश बनाऊंगा, मैं उसका किंग रहूंगा। ठीक है, ना मिलूंगा हिंदुस्तान में, ना पाकिस्तान में मिलूंगा। तो ये यहाँ पर नहीं करता, अगर इमेंट साइन तो हम क्या करेंगे फिर इसको बाद में नेगोशिएशन के द्वारा मनाने की ट्राई करेंगे, लेकिन जो है इंडिया बाद में ये मानेगा नहीं। हमने इसमें फिलहाल क्या किया, यहाँ पर हमने फोर्स भेजी थी। ठीक है, अब आएगा हैदराबाद को कैसे मिलाया, हैदराबाद स्टेट अगेंस्ट द निजाम रूल, हैदराबाद के जो लोग थे, पीपल थे, वो निजाम रूल के अगेंस्ट थे, पब्लिक जो है परेशान थी पहले से ही। ठीक है, कि ये जो है ज़्यादा टैक्स लगाता है, वेलफेयर के काम करता नहीं, सबसे अमीर है, फिर भी जो है अधिक टैक्स लगा के हमें ऊपर बोझ डालता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है निजाम के खिलाफ थे लोग, पहले से भी जो मूवमेंट चले हुए थे तेलंगाना वगैरह में निजाम के खिलाफ, तो निज़ाम क्या करेगा, पब्लिक को दबाने के लिए यहाँ पर अपने सेना को हुक्म दे देगा कि पब्लिक को मारो पिटो, डराओ धमकाओ, लेकिन चुप कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी सेना है, सेना का जो नाम है मिलिट्री फोर्स का, यहाँ पर नाम जो वो ना था रजाकर्स। ठीक है, ये रजाकर क्या होते हैं, इसकी खुद की कम्युनिटी के कुछ लोग होते हैं जो मिलिट्री में शामिल होते हैं, उसकी टीम है बड़ी तकड़ी, वो मारते हैं इनको, और यहाँ पे कम्युनिस्ट जो क्या करेंगे, रोड्स करेंगे, दंगे कर देंगे, ये लोग मार मार के भगाएंगे बाकी पब्लिक को, इसीलिए जो है पब्लिक अपील करेगी और इंडिया यहाँ पर आर्मी भेजेगी। ध्यान रखना, हैदराबाद में ट्राई किया था बातचीत के लिए, ने किया नहीं बुड्ढे ने, उसके बाद क्या किया यहाँ पर, उसने आर्मी से कह दिया अपने से कि जो बोलेगा अपने खिलाफ, किंग के खिलाफ, उनको पीट देना। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर इंडियन आर्मी यहाँ पर आएगी, इंटरफेयर करेगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आर्मी भेजकर हैदराबाद को कैच किया था। ठीक है, तो मर्डर किया जाएगा पब्लिक का, नॉन मुस्लिम पब्लिक को पिटा जाएगा, यहाँ पे खासकर टारगेट बनाया जाएगा नॉन मुस्लिम को, ये लिख रखा है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, और यहाँ पे जो है सेंट्रल गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी, ऑर्डर द आर्मी टू टैकल द सिचुएशन, अपनी आर्मी को इंडियन गवर्नमेंट आदेश देती है कि जाओ टैकल करो इस चीज़ को, समस्या का समाधान करो। आर्मी को तो इशारे के देर है, 1 सेकंड में ही कंट्रोल कर लेगी निज़ाम को, निज़ाम हार जाएगा। सितंबर 1948 में देखते ही भाग जाएगा, सेना आ गई, चलो भाई भागने लगा, सब कुछ यहीं छोड़ के भागना पड़ा इसको। ठीक है, तो ये चला गया, सरेंडर कर देगा और भाग जाएगा, कहाँ पे, पाकिस्तान भाग जाएगा बाद में। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका इंडिया में शामिल। ओके जी, आके देखते हैं मणिपुर है, बड़ा कठिन हुआ, नॉर्थ ईस्ट में है, कभी ध्यान नहीं दिए पाए हमें इसके ऊपर। ठीक है, स्टेट अच्छी है, लेकिन फिर भी जो है इंडिया ट्राइबल एरिया है,
महाराजा और मणिपुर कौन था, महाराजा ऑफ मणिपुर बौद्ध चंद्र सिंह था यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या कर रही, कह रहे कि मैं नहीं करता भाई साइन वगैरह। तो यहाँ पर साइन करने के लिए इसको बातचीत की जाएगी, मना ले जाएगा, बाद में साइन कर देगा, लेकिन गारंटी लेगा कि क्या है भाई, मेरी इंटरनल ऑटोनॉमी जो है मणिपुर की वो मेंटेन रहे, तभी मैं साइन करूँगा। ये कंडीशन थी। इसको कहा ठीक है तो साइन तो कर, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। तो क्या किया, साइन द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट ऑन द एश्योरेंस। एक कंडीशन थी, एक मांगी इसने, क्या मांगी थी, दैट द इंटरनल ऑटोनॉमी ऑफ मणिपुर वुड बी मेंटेन, हमारे जो इंटरनल ऑटोनॉमी है वो हम खुद करेंगे, ठीक है, रूल मैं करूँगा कह रहा है यहाँ पे, लेकिन बाहरी जो है एक्सटर्नल आप रख लो पूरी पावर। इस कार्टून में समझाऊंगा इसको मैं, ठीक है, ये कार्टून इस पर डिपेंड है इस तरह की चीज़ों पर कि इंटरनल और एक्सटर्नल क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अंडर द प्रेशर ऑफ पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक जो है वो क्या चाहती है, इलेक्शन चाहती है यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, प्रेशर करेगी राजा को, राजा क्या करेगा, महाराजा बौद्ध चंद्र सिंह यहाँ पे इलेक्शन हेल्ड करवाएगा मणिपुर में, कब, जून 1948 में। ध्यान देना, मणिपुर में इलेक्शन हुए थे, हैदराबाद में सेना गई थी, ठीक है, और जूनागढ़ में साइन हुए थे, पब्लिक ओपिनियन हुआ था वहाँ पे, रेफरेंडम हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर है मणिपुर में क्या होता है, इलेक्शन होता है, एक अपने जो है यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे असेंबली बनाई जाएगी, एमएलए बनेंगे, और लेकिन राजा भी रहेगा मेन पोस्ट पे, मोनार्ची रहेगी यहाँ पे, ठीक है। तो मणिपुर क्या है, फर्स्ट पार्ट है इंडिया का जो इलेक्शन हेल्ड करवाएगा यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी पे। ध्यान देना, इंडिया के फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुए थे 1951-2 में, ठीक है, और हमने जो है मणिपुर में करवा दिए थे जून 1948 में। तो इंडिया के पहले इलेक्शन कहाँ हुए, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी के इश्यू पर, जोर पर, वो बेस्ट पर, कहाँ पे हुए थे, मणिपुर में थे। ध्यान देना, ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत क्वेश्चन आ रही है इसके, ये वाला यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी कहाँ पे हुआ, पहले इलेक्शन फर्स्ट पार्ट था इंडिया का मणिपुर, जहाँ पर ये इलेक्शन हुए, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे है, जो असेंबली बनाई गई थी मणिपुर की, उसमें कुछ डिफरेंसेस थे लोगों के आपस में। तो कुछ तो लोग कह रहे थे कि हाँ भाई मणिपुर को इंडिया में मर्ज हो जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए, शामिल होना चाहिए, ठीक है। कुछ कह रहे हैं ना भाई मर्ज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो वहाँ कांग्रेस पार्टी के लोग हैं वो तो कहते हैं मर्ज कर लो, हम तो यहाँ पर रूल कर पाएंगे तभी। तो पॉलिटिकल पार्टी थी कांग्रेस, तो और पार्टी अपोज करेगी ना भाई हमारा अलग कल्चर है, हम तो यहाँ पर ट्राइबल लोग हैं, इन पर ध्यान देना वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें की। तो बाद में क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रेशर हो जाएगा और गवर्नमेंट इंडिया करेगी यहाँ पे साइन करवाएगी इस पे मर्जिंग के लिए, महाराजा क्या करेगा, साइन कर देगा मर्जर एग्रीमेंट पे, कर देगा कब, 1949 में, क्योंकि पब्लिक भी चाह रही है, पॉलिटिकल पार्टी भी चाह रही है, तो राजा कौन होता है बीच में। तो यहाँ पर क्या कर दिया, साइन करवा लेंगे, महाराजा के भी साइन इस पे हो जाएंगे और इंडिया इसको ले लेगा मणिपुर को भी, ठीक है। तो ये भी ठीक हुआ, अच्छा हुआ। अब मैं समझाता हूँ इस चैप्टर को या इस 5 नंबर के इमेज क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर देख लो ध्यान से क्या है, अगर तुम्हें समझ में आता हो क्या, देखो ये किंग है, इसके हाथ में एक बॉक्स है, ये नीचे पब्लिक है, ठीक है, यानी कि ये बैठा है पब्लिक के ऊपर, स्ट्रेट है ये इसकी, ठीक है, इसका तो जी काट रखा है बिल्कुल ही, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसके हाथ में जो राजा के वो क्या है, वो है एक्सटर्नल, ठीक है, कम्युनिकेशन डिफेंस वगैरह ये है इस बॉक्स के अंदर। तो ये क्या कह रहा है, ये है हमारे होम मिनिस्टर सरदार पटेल, बड़े चलाक थे। तो ये क्या है, नो नो डोंट गेट अप, महाराज अब खड़े मत हो, ठीक है, योर हाइनेस महाराज जी आप खड़े मत हो, जस्ट गिव मी दिस, ये जो बॉक्स है ना ये मुझे दे दो। बॉक्स में क्या है, एक्सटर्नल अफेयर है, यानी बाहर का जो काम है डिफेंस का हम देखेंगे। ये कह रहा है कि बाहर का काम इंडिया देखेगा, डिफेंस हम देखेंगे सारी तुम्हारी, कम्युनिकेशन हम देखेंगे तुम्हारी, तुम केवल अपना राज चलाते रहो, एज ए राजा बैठे रहो इसके ऊपर, हमें नहीं उठाना तुम्हें, ठीक है। यानी इसको हटाया नहीं है,
केवल एक्सटर्नल अफेयर ले लिए, इंटरनल इसके पास रहे, इसको बोलते हैं इंटरनल ऑटोनॉमी। ठीक है, तो ये सीन आएगा किसके बारे में है, किंग और इंडियन गवर्नमेंट के रिलेशन के बारे में है। कौन है ये? ये है सरदार पटेल, ये है किंग, ये है जनता और ये है एक्सटर्नल अफेयर। ठीक है, तो कुछ किंग ने मांगी थी इंटरनल ऑटोनॉमी, मणिपुर भी उसमें एक था, हमने शुरू में दी लेकिन बाद में हम उसे ले लेंगे, बाद में जो है सिस्टम ऐसा ही बनता है, धीरे धीरे जो है पब्लिक अपने आप ही अवेयर हो जाती है कि डेमोक्रेसी में अच्छी बातें होती, सबको मौका मिलता है। किंग तो अपने अपना लाभ देखता, देखना अपने कैसे हैदराबाद वाला भाग गया था पाकिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जो स्टेट हमने बना ली, प्रिंस स्टेट मिल गई यहाँ पे, लेकिन अब क्या करेगा, यहाँ पर दोबारा से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा हमने स्टेट्स को, इसको बोलते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, तो प्रिंस स्टेट तो हमने मिला ले सारे लगभग, तो इसमें क्या रह जाएगा, हमारा जो यूनिटी है वो अभी भी जो है बन नहीं पा रही, क्योंकि डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, बाउंड्रीज बहुत बड़ी इंडिया की, बहुत सारे स्टेट्स यहाँ पे हैं अभी भी, तो उनके बीच में जो है लैंग्वेज के बेस पे, कल्चर के बेस पे बहुत सारे जो है इस तरह से डिस्प्यूट हैं, डिफरेंसेस है। जैसे हरियाणा और पंजाब का था, अलग बनाया गया हरियाणा को, और इसको हिमाचल प्रदेश को बनाया गया था, ऐसे ही तेलंगाना को बनाया बाद में, छत्तीसगढ़ बनाई, उत्तराखंड बनाया, उससे पहले भी जो है हमने बहुत सारा इस तरह से किया था, गुजरात बनाया महाराष्ट्र से, मुंबई से। तो ये जो है हमने लैंग्वेज के बेस पे बनाया था, तो ये दिखाएंगे यहाँ पे क्या सीन है, देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है पहले से ही लैंग्वेज के बेस पे कांग्रेस पार्टी के अंदर भी ये डिमांड उठती थी कि लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग बाउंड्री बना लो, अभी से ही ठीक रहेगा, बाद में मुश्किल आएगी। कब बनाया था, 1920 में कहा था ये, कि कांग्रेस ने ऐसा प्रिंसिपल बनाने के लिए कहा था। ठीक है, लेकिन उस टाइम पे बहुत सारे कांग्रेस के कमेटी के मेंबर बोले ना भाई ऐसा ठीक नहीं है, ये तो बहुत टुकड़े बन जाएंगे इंडिया के ऐसे इस तरह, तो बाद में क्या होगा, देखो यहाँ पर जो इंडिया होगा अलग आज़ाद हो जाएगा, उसके बाद हम शुरू करेंगे इस चीज़ की चीज़ें, और यहाँ पर हम देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, यहाँ है वो चीज़ें जो डिस्प्यूट हो रही हैं लैंग्वेज बेस्ड पे। नेशनल लीडरशिप वाज चैलेंज्ड बाय द लोकल लीडर एंड पीपल, बड़ी पार्टी के नेशनल लीडर हैं, उनको चैलेंज किया जा रहा है लोकल लीडर के द्वारा, क्योंकि पब्लिक के बीच में वो रहते हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ का, तेलुगु स्पीकिंग एरिया जो है वो कह रहे हैं कि हमें अलग करो, तेलुगु बोलते हैं और हमें मद्रास में दे रखा है, वहाँ तमिल बोलते हैं लोग, हम तेलुगु बोलते हैं। तो तमिलनाडु से अलग होने के लिए क्या बन रहा है, यहाँ पर एक आंध्र प्रदेश एरिया बनेगा अलग से, कहाँ से, तमिलनाडु से। इसमें आंध्र प्रदेश भी था मद्रास में, केरला भी था, कर्नाटक भी था। अब देखना विशाल आंध्रा मूवमेंट है ये वाला, ये क्वेश्चन बनेगा आपका, वट वाज विशाल आंध्र मूवमेंट, क्या ये मद्रास से अलग होने के लिए तेलुगु भाषा लोगों ने मूवमेंट चलाया था, उसको कहते हैं विशाल आंध्रा। ठीक है, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश की जो है एक डिमांड की गई थी तेलुगु स्पीक लोगों के द्वारा, शुड बी सेपरेट फ्रॉम द मद्रास प्रोविंस। प्रोविंस क्या होता है, एरिया, क्षेत्र या फिर स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसे अलग होने के लिए सेपरेट आंध्रा प्रदेश का मूवमेंट चलाया गया था विशाल आंध्र के नाम पर। अब यहाँ पर जो है पहली बार इसके लिए एक डिमांड की गई, स्ट्राइक की गई लोकल लीडर के द्वारा, उसका नाम था पोटी श्री मल्लू। ये भी नाम आता कई बार, कौन था ये बंदा, पोटी श्री मल्लू, कांग्रेस का लीडर था, लोकल लीडर था, सेंटर में भी कांग्रेस है, डिमांड करेगा, ऊपर लाइन दे रखे ना, चैलेंज करेगा। तो लोकल लीडर नेशनल लीडर को चैलेंज कर रहे हैं अभी कांग्रेस पार्टी को कि ऐसा है, अब देखो भाई हमारे लोग तेलुगु भाषी, हमें अलग किया जाए, और ये इसके लिए सत्याग्रह करेगा, अनशन कर देगा, भूख हड़ताल बैठ जाएगा और मर जाएगा, 56 दिन तक भूखा रहेगा, 56 डे तक, ये बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये 56 डे के बाद इसकी डेथ हो जाएगी बेचारे की। तो इसके मरने के तुरंत बाद जो है डिमांड यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगी गवर्नमेंट और अलग से जो है एक कमेटी बना देगी, हाँ भाई हम सोचते हैं इसके बारे में करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वायलेंस होने लगा वगैरह वगैरह मद्रास में। तो यहाँ पर जो फाइनली क्या करेगा, प्राइम मिनिस्टर जो है नेहरू अनाउंस कर देगा क्या, फॉर्मेशन ऑफ ए सेपरेट आंध्र प्रदेश की अनाउंसमेंट हुई है केवल यहाँ पे 52 में दिसंबर में। ठीक है, ये वाला है, ओके जी, अनाउंसमेंट हुई है केवल, बना नहीं है अभी तक, ध्यान देना।
तो ये है, पहले मान लेते बेचारे ये बच जाता, लेकिन ये मर गया, इसके बाद मान गए कि हाँ भाई अब तो कर दो डिमांड पूरी इनकी। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया एक्टर एडमिन क्या है यहाँ पर, ये एक स्टेट वाला मैप है, अलग अलग स्टेट बने इसमें देख लो, ये रहा ये देखो, ये बन गया आंध्र प्रदेश अलग, ये बना दिया आंध्र प्रदेश अलग, मद्रास अलग, मैसूर अलग, महाराष्ट्र अलग, गुजरात अलग। तो यहाँ पर देख लेते हैं, सेपरेट सेपरेट हो गए सारे के सारे। ये दे रखा है, क्वेश्चन भी दे रखे यहाँ पे एक है कि अब तो यही मैप में क्वेश्चन आ जाए, पाँच नंबर वाले में इसको कर लो, ठीक है। रीड द मैप एंड सॉल्व फ्रॉम द क्वेश्चन, क्या नेम द ओरिजिनल स्टेट फ्रॉम विच फॉलोइंग स्टेट, ये तो प्री बोर्ड में आ चुका है, वर कर्व्ड आउट है। आपने ढूंढनी है किस स्टेट से निकल कर अलग दो स्टेट बनी है, ये वाली आपने ढूंढनी, ओरिजिनल स्टेट का नाम बताना है, ठीक है। जैसे गुजरात किससे निकला, गुजरात निकला बम्बई से, मेघालय असम से, हरियाणा पंजाब से, छत्तीसगढ़ एमपी से बना था। नेम टू स्टेट वर अफेक्टेड बाय द पार्टीशन ऑफ द कंट्री, बंगाल और पंजाब का पार्टीशन हुआ था। यूनियन टेरिटरी तो बताने हैं अपने, जो है नेम टू स्टेट टुडे, जो पहले क्या थी यूनियन टेरिटरी थी, अब बतानी है स्टेट बन गई पूरी, बताओ अपने आप बताओ कौन सी थी इस टाइम, ठीक है। तो ये जो है यहाँ पर कार्टून दे रखा है, इमेज दे रखा है, ये बैठे हैं नेहरू पीएम, या डिमांड हो रही है अलग अलग की, महा गुजरात की, विशाल आंध्र की, यानी कि जो लैंग्वेज बेस पर डिमांड हो रही है अलग अलग सेपरेट स्टेट की, वो जो है पीएम नेहरू को यहाँ पे क्या कर रही है, परेशान कर रही है। और ये जो है इस तरह से जो है अलग इसने क्या करना पड़ेगा, क्या कमीशन बिठाना पड़ेगा लैंग्वेज के बेस पर, जो अलग अलग स्टेट का निर्माण बाउंड्री वगैरह करेगा, ठीक है। ये यहाँ पर दे रखा है, आंध्र प्रदेश का स्ट्रगल हुआ तो उसके कारण जो है एक अलग बनाया गया हमने, उसको कहते हैं स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन, सेटअप किया गया कब, 1953 में किया था ये वाला, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर देगी इसको यहाँ पे। तो अब देख लो, इसको लाइन आपने नोट करनी है, व्हाट वाज द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन व्हेन इट वाज सेटअप। तो यहाँ पे क्या करना है, गवर्नमेंट करेगी डिसाइड, अपॉइंट करेगी इसको कमीशन को 53 में, ये अपने रिपोर्ट सौंपेगा, फिर इसके बाद जो है यहाँ पर एक्ट पास होगा 56 के अंदर, ठीक है। ये है ओके जी, ये कमीशन रिकमेंडेशन देगा कि हाँ लैंग्वेज के बेस पे अलग अलग जो है सेपरेट स्टेट बना दो, बाउंड्रीज को दोबारा कर दो, और ये रिपोर्ट पेश भी कर देगा, और जो है एक्ट पास किया जाएगा इसके अकॉर्डिंग ही, ठीक है। इसकी रिपोर्ट के ऊपर, इसकी रिपोर्ट के बेस्ड एक बना के हमने क्या करना पड़ेगा, एक्ट पास किया जाएगा 1956 में। और इस टाइम पे जो है 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी बन जाती हैं, ठीक है जी। अब कितने हैं, 28 स्टेट हैं और 9 टेरिटरी है। ये है शहीद पोटी सिरेमल्लो, जो बेचारे वहाँ खाम खा जो है अपने फास्ट करके यहाँ बेचारे आंध्र प्रदेश के लिए जान दी उन्होंने, शहीद दी। ये देख लो क्या है, अब ये बनाया था हमने स्टेट रिकंस्ट्रक्शन कमीशन, बनाया था रिओर्गनाइज करने के लिए बनाया था, इसको बोलते हैं एसआरसी बोलते हैं, ठीक है एसआरसी, ठीक है। अब हमने बना तो दिया, इसमें से निकला जिन, यानी कि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, हमने स्टार्ट तो कर दिया, अब एक को बनाएगा तो और भी डिमांड करेंगे, इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम के रूप में जिन दिखा रखा है। अभी इसमें घुसेगा नहीं, यानी कि काबू में नहीं आएगा अभी ये, ठीक है, आम आदमी के काबू से बाहर हो गया ये, यानी गवर्नमेंट के काबू से बाहर था, चीज़ें बनाने का ट्राई तो किया यहाँ पर दिखा रखा है 56 में जो हमने बनाया था, यानी कि कोक्सिंग ऑफ द जिनी बैक, ये अंदर जाना यहाँ से नहीं कर पाएगा, ठीक है। ओके जी, अब जो है क्वेश्चन क्या है, ये रिपोर्ट थी उस टाइम की, तो बहुत सारे जो स्टेट्स हैं यहाँ पे बनाई जाएंगी अलग अलग, जो है गुजरात बनेगी महाराष्ट्र से, तो लैंग्वेज के बेस पे बनने वाले जो स्टेट्स हैं उनके नाम आएंगे यहाँ पर, वही हमने यहाँ पर डिस्कस करने हैं, ठीक है। और कौन से स्टेट कब बनाएंगे वो भी देखना है, और किससे अलग हुई है वो भी देखना है। तो यहाँ पर लैंग्वेज के बेस पे बना देते हैं हम लोग, बहुत सारी अभी भी डिमांड होती है कि बड़ी स्टेट है छोटी कर दो, यूपी है जैसे, इसके भी चाहते हैं ये लोग अलग अलग कर दो, दो बना दो, तीन बना दो इस तरह से, ठीक है। वेस्टर्न यूपी को अलग कर दो, ईस्टर्न से अलग कर दो, सेंटर में अलग रख लो,
एक तो पहले डिवाइड हो चुकी है उत्तराखंड के रूप में, ठीक है। तो यहाँ पर ये है न्यू स्टेट कैसे क्रिएट होती है, इस चैप्टर में दे रखा है कि महाराष्ट्र जो है उसमें जो मराठी स्पीकिंग लोग थे गुजरात में, गुजराती बोलने वाले हैं, और पूरा जो प्रोविंस का था उसका नाम था बॉम्बई, तो वहाँ से निकले गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग हुए, ठीक है। 60 के अंदर जो है एडिड हुआ ये वाला हमारा एग्रेडेशन हुआ था इसके अंदर, ठीक है। तो बाद में क्रिएट हुआ गुजरात और महाराष्ट्र 60 में, ठीक है। इसके बाद पंजाब में हुआ था लैंग्वेज बेस पे, हिंदी वाले अलग पंजाबी वाले अलग, हरियाणा बन गया 1 नवंबर 1966 को, और हरियाणा बना और साथ में हिमाचल प्रदेश भी बना था, ठीक है। तीन स्टेट थे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ भी है, तो इनको से जो है दे दिया गया, हिमाचल अलग हो गया, हरियाणा पंजाब अलग अलग हुए, बीच में चंडीगढ़ दोनों कैपिटल बना दिया गया, हरियाणा पंजाब की राजधानी है। ऐसे असम का है, असमी लोग हैं, मणिपुरी अलग थे, मिजो अलग थे, हम पढ़ चुके हैं चैप्टर में पहले भी इसको, तो ये अलग अलग जो है कब कब बने वो हमने इस पर देख लेना। असम बना 72 में, नॉर्थ ईस्ट में जो है अलग अलग, यहाँ पर त्रिपुरा अलग हुआ, मणिपुर अलग हुआ, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर नोट कर लेना सारी, किस टाइम पे कौन सी स्टेट बनी, सारा एक ही जगह दे रखा है, सबसे बेस्ट है। इसलिए जो है हम सीधे यहाँ पे क्या आए एनसीईआरटी के छोटे क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ भी वही चीज़ें दे रखी है। क्या जो स्टेटमेंट है वो देखनी हमने कौन सी, कि जो पार्टीशन है हमारा हुआ था उसमें इनकरेक्ट क्या है, ध्यान रखना करेक्ट और इनकरेक्ट से देखना आपने क्या पूछ रखा है, उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है। जैसा पूछे क्वेश्चन वैसा जवाब देना चाहिए, और पॉइंट वाइज दे दो सबसे बेस्ट है। तो क्या इसमें पार्टीशन ऑफ इंडिया वाज द आउटकम ऑफ द टू नेशन थ्योरी, यस बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि टू नेशन थ्योरी के बेस पर ही क्या बना पार्टीशन ऑफ इंडिया का। पंजाब बंगाल को यहाँ पर डिवाइड किया गया बेस्ड ऑन रिलीजन, बिल्कुल बेस्ट है, करेक्ट है, रिलीजन के बेस पे पंजाब और बंगाल का हुआ था। सब पॉइंट देखा करो, जिन्हें लिख रखा पंजाब और बंगाल, हाँ पंजाब और बंगाल हुए थे, यस हुए थे, क्या हुए थे टू प्रोविंस थे, यहाँ थे डिवाइड हुए, यस हुए थे, किसके बेस पे हुए थे। अगर यहाँ पे रिलीजन की जगह अगर यहाँ पे आ जाता लैंग्वेज आ जाता तो क्या होता फिर बताओ, रॉन्ग बन गया ना, ठीक है। तो इसी बेस पे ध्यान रखना, यहाँ पे पूरा पॉइंट पढ़ा करो, ये भी था, ये भी था, और यहाँ भी ये भी था, ठीक है। अब देख लो ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट बंगाल वर नॉट के काउंटी ज्वाइंट्स, तो दोनों क्या थे, ये अलग अलग थे या एक ही थे, बताना अपने पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान, तो ये अलग अलग हो जाएंगे बाद में, बांग्लादेश बनेगा ईस्ट का। यहाँ पे क्या था, स्कीम ऑफ पार्टीशन इंक्लूड ए प्लान फॉर ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ऐसी कोई स्कीम नहीं थी, केवल दो अलग अलग देश बनाने थे हिंदुस्तान पाकिस्तान, पॉपुलेशन कहाँ जाएगी इसका डिसाइड नहीं किया था, कोई स्कीम नहीं थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे दंगे हुए, वायलेंस हुआ, तो लोग डर के मारे पॉपुलेशन डिस्प्लेसमेंट हुई थी, ठीक है, ये रॉन्ग है, कोई स्कीम के तहत नहीं हुआ, अपने आप हुए हैं, ठीक है। आगे है मैच करना है, एक क्वेश्चन जो है या आता है इस तरह का मैचिंग का भी, एक ऐसा एमसीक्यू का भी आएगा, एमसीक्यू में लघु छोटे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। स्टेट कब बने देख लेना, कैसे कोई स्टेट मिला किस में वो भी देख लेना, तो छोटे क्वेश्चन ऐसे बनेंगे बड़े भी। मैपिंग द बाउंड्री ऑफ रिलीजियस ग्राउंड, धर्म के आधार पर बाउंड्री किसकी बनी थी बता दो, इंडिया और पाकिस्तान की बनी थी ना, ठीक है। आगे है ग्राउंड ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे किसकी बाउंड्री बनी, बांग्लादेश बंगाली बोलने वाला, पाकिस्तान उर्दू बोलने वाला, ठीक है। आगे है बाउंड्री जो कैसी, जो जियोग्राफिकल जोन के अकॉर्डिंग हो, यानी कि नेचुरल बाउंड्री किसकी है, जियोग्राफिकल पहाड़ी पहाड़ी के लिए मिलेंगे हिल स्टेशन पे, कौन सा है वो, हिमाचल और उत्तराखंड की है। एक है ऐसी बाउंड्री बनी, अगले स्टेट बनाई गई क्योंकि एडमिन के कारण प्रॉब्लम हो रही थी और पॉलिटिकल ग्राउंड पे हुआ था, यानी कि ये हुआ था झारखंड छत्तीसगढ़ का हुआ था, एमपी से छत्तीसगढ़ अलग हुआ, बिहार से हुआ झारखंड, क्योंकि बड़ी कंट्री थी दोनों में इम्बैलेंस था, तो झारखंड को अलग किया गया बिहार से, ऐसे ही एमपी से छत्तीसगढ़ को किया गया था अलग। ये प्रिंसिपल स्टेट, इनके बारे में दिखाना है पॉलिटिकल मैप में, आप इसको ध्यान से देख लो, चारों को मणिपुर ईस्ट में है, ग्वालियर बीच में है, जूनागढ़ वेस्ट में है, मैसूर कर्नाटक में है। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है, बड़े क्वेश्चन मैं डाल दूंगा किसमें, पीडीएफ में। ओके, थैंक यू।